बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इधर ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो तो मैंने बनाने का मकसद तो कोई ख़ास नहीं था, लेकिन इतना प्यारा मौसम बनावाना है, मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम इस प्यारे मौसम को किस तरीके से इंजॉय करें। तो ये देखें जी, बारिश की आवाज़ को इंजॉय करें। देखें कितनी मज़ेदार सी स्मूथ सी आवाज़ आ रही है, ये देखें। चलें जी, अभी फ़िलहाल असर की जानें हो रही हैं, हम लोग असर की नमाज पढ़ते हैं और फिर इसके साथ जो है हम शाम को देखते हैं कि हम लोगों ने इस बारिश को किस तरीके से इंजॉय करना है और क्या खाते हैं इस बारिश के मौसम में। ये देखें जी, फ्लाइट ऑन करके दिखाऊं, फ्लैश लाइट आवाज़ पता नहीं आएगी कि नहीं। आप भी छोटो ना यहाँ से। ये देखें जी, बारिश इतनी प्यारी बारिश हो रही है ना, और इतना प्यारा मौसम है कि हमारी सारी छत पर जो ना फिलहाल पानी आया, मेरा फोन ना ख़राब हो जाए। ये देखें, सारा जो रेत है ना सारी वहाँ पर इकट्ठी हो गई हुई आके, और इस टाइम दिन के जो ना शाम के 5 हुए हुए हैं, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, हमारे कमरे में ना स्टोर वाले कमरे में बिल्कुल टेरेस के साथ अटैच है, कितना पानी आ गया है यहाँ पर। चलिए इस पानी को पहले बाहर निकालते हैं और दरवाज़े को करते हैं बंद। यहाँ से इसको पीछे करेंगे मैट को, क्योंकि सारा मैट हमारा जो ना वो गीला हो गया है। बाहर फेंका तो वो ऐसे फेंगे तो साफ़ भी हो जाएगा। और ये हम लोग डोर स्टॉपर वो करते हैं पीछे, पहले निकालते हैं पानी को बाहर। इसमें ना कमरे में बारिश ही नहीं इंजॉय कर सकते, सारा पानी जो है ना वो अंदर की तरफ आ जाता है। हाँ वो तो होगा इकट्ठा ना। अनु मुझे छतरी तो पकड़ाओ, मैं उसको मैट ना तार पे डालू। ये इधर इधर पड़ी हुई है वो देखो। ये देखिए जी, हम लोग गैराज में आए हैं और नीचे हालात देखें हमारे गैराज में, सारा पानी इकट्ठा हो गया। गाड़ी के नीचे भी पानी जा रहा है और इतनी तेज़ आज बारिश हो रही है ना। ये देखिए, यानी फ्लैश लाइट ऑन की है इस वजह से नज़र आ रहा है, नहीं तो आवाज़ भी नहीं आनी थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। वो हम लोग इंजॉय करते करते हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर जो है ना इस टाइम सैलाब आ गया। आए थे आपने जूम, और अब हम लोग इंजॉय करने की बजाय ना सारे डर रहे हैं कि अगर ज़्यादा पानी अंदर आ गया ना तो मस्ताना बन जाए। बारिश काफ़ी तेज़ होना शुरू हो गई है। ये देखें, आपको पानी देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा। लोग आ गए अपने अपने साफ़ करने के लिए, कुछ वहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये देखें जी पानी का हाल चेक करें, इतनी सी बारिश में इतना पानी इतना पानी इकट्ठा हो गया। सारे अपने अपने वो खोल रहे हैं गटर ताकि पानी अंदर चला जाए। ओए होए वो तेज़ बिजली चमकी है। हाँ जी, थ्रू आउट सारी कॉलोनी जो है ना वो गंदी हो गई है, बल्कि साफ़ हो गई है। देखते देखते हमारे पूरी गैराज के अंदर पानी आ गया है। ये देखें, ये हमारा स्टेप है, इस स्टेप से उतरे नीचे, और ये देखें सारा पानी आ गया अंदर। अब ये अम्मा गई हैं बाहर से उसका ढक्कन उठाने के लिए। हाँ सारा पानी आ गया, और अब तो लगता है कि जैसे सैलाब आने वाला हो गया। मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन जब मैंने ये हालत देखी है ना बारिश की, तो मैंने कहा चलें एक मेमोरी हो जाएगी। हम फाइनली अब हम थक हार के ना अंदर आ गए हैं, क्योंकि बच्चों ने होमवर्क भी करना है, तो पहले इनको काम शम करवाते हैं और मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। बाहर देखें कितना अंधेरा हो गया, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि आज रात हम खाने में क्या खा रहे हैं। जी जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पास्ता बनाते हैं, और कौन सा पास्ता बनाएं, या दिल कर रहा है कि ये वाला पास्ता खाया जाए। चलें इस शेप को हम आज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलें जी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं पास्ता कैसे बनाती हूँ। मैं आज बनाऊँगी दो पास्ते, एक वाइट सॉस पास्ता बनाऊँगी और एक बनाऊँगी केचप वाला। बच्चे केचप वाला शौक से खाते हैं, मैं वाइट सॉस शौक से खाती हूँ।
यहाँ हमने रखा है पानी बॉयल होने के लिए। ठीक है जी, पानी तक बॉयल होता है इसमें हम लोग नमक ऐड करते हैं और फिर साथ साथ प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। मैं यूज़ करती हूँ ये मेन्यू की फजीता टॉपिंग्स, इसके साथ ना टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। चलिए जी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो जी साथ साथ हम लोग रात के खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ना थोड़े से पकौड़े बना लेते हैं, तो उसके लिए हम अलग तैयारी करेंगे और पास्ता हम लोग साथ अलग बनाएंगे। ठीक हो गया जी, फटाफट से आलू वो करते हैं कट और अपना पकौड़ों का जो मटेरियल है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जी हमारा पानी भी हो गया है बॉयल, साथ साथ हम लोग पकौड़ों का मटेरियल तैयार करेंगे और साथ साथ हम जो है इसमें ऐड करते हैं पास्ता। ठीक है जी, मैं सारा पैकेट बनाऊंगी क्योंकि इसमें से हाफ हमने वाइट बनाना है। जी हमारा पास्ता हो गया बॉयल, अब हम लोग इसका जो ना मसाला तैयार करेंगे। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको हम थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं और इसको रख देते हैं ऊपर। ठीक है, मैं इस तरीके से जो ना आग को थोड़ा स्लो कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, अब इसको 5 मिनट तक हमने हल्का हल्का ऐड कर लेना। चलिए जी, वॉइस सेट बनाने के लिए हम लोगों ने घर का बनाया हुआ मक्खन लिया। ठीक है, मक्खन को ऐड करते हैं और इसी के अंदर हम लोग डाल देंगे मैदा। ठीक है जी, मैं अपने अंदाजे से बनाती हूँ, किसी रेसिपी को मैंने फॉलो नहीं किया हुआ, तो अब जैसा भी है आप लोग साथ में शेयर करेंगे। ये चम्मच पकड़ते हैं यहाँ से, जब तक मक्खन जो है ना पिघल जाए इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 स्पून मैदा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने हल्का हल्का जो है ना इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, ये देखेंगे बस इसके अंदर। नहीं अम्मा बस हो गया, मैं वीडियो बना रही हूँ साथ ना। ये देखिए जी हल्का हल्का ये ब्राउन होना शुरू हो गया, इसी के दौरान हम इसके अंदर जो ना दूध ऐड करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये मेरा अपना तरीका है, आप जो मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। इसमें हम ऐड कर लेंगे दूध, जितना पतला आपने रखना है उतना। अब इसको हम हिलाएंगे ताकि इसके अंदर जो ना वो गुठलियाँ ना बने, तो बारिश अभी तक हो रही है। ठीक है जी, इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक और ब्लैक पेपर। चलो जी, थोड़ा सा दूध और ऐड करते हैं। अब हम लाते हैं काली मिर्चें, इधर भी वाइट मिर्चें, ये ब्लैक पेपर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दें, मुझे ज़्यादा पसंद है। ये देखिए हमारा 2 मिनट्स के अंदर हमारी वाइट सॉस रेडी हो गई है। हम चूल्हा कर देंगे स्लो और अपना देखेंगे चिकन को कि हमारा चिकन कहाँ तक पहुँचा है। ये जला नहीं है, वैसे वो नीचे से देखिए जरा थोड़ी सी ब्लैक हो गई है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, हो गया हमारा ग्रेवी।
एकदम। ओके, चीज़ के स्लाइसेस हैं उनको हम ऐड बाद में ऐड करेंगे। अब इसको देख लेते हैं चम्मच की, फिर मैं इसको खोल के ना फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया सारा, इसमें से चिकन भी ले लिया था और इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसमें चीज़ का एक स्लाइस पूरे का पूरा डाल देंगे, इसको खोलते हैं और खोल के डालते हैं। अब इसको हम चूल्हा आहिस्ता कर देंगे ताकि इसके अंदर जो है सारा डिजॉल्व हो जाए। हम डालेंगे पास्ता सॉस। चलो ओहो चलो, हाँ टू डाल लो, टू से ज़्यादा डाल लो, देखते हैं कि कितना स्पाइसी होता है। केचप भी डालनी है इसमें थोड़ी सी, ठीक है और डाल दो एक एक चम्मच और डाल लो। अब इसी में केचप भी ऐड कर लो। चलो क्योंकि इसमें नमक मिर्च तो ऑलरेडी डली हुई है, पास्ता डाल के ना इसके अंदर चीज़ अगर ऐड करना है वो भी कर लो, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। फाइनली हमारी दोनों जो है ना पास्ता और रेडी हो गई हैं। ये देखिए और ये देखिए, ये हो गया बच्चों का, ये हो गया मेरा। अब ये जितना अभी यहाँ पे गंद पड़ा हुआ ना, सारा गंद हम साफ़ सफाई करते हैं इसकी, फिर इसको एंजॉय करेंगे। हमारी मज़ेदार सी चाय भी तैयार हो गई है और पास्ता भी रेडी। हाँ आए चाय मुझे डाल देगी, हमारे पकौड़े भी रेडी हैं। अब हम इंजॉय करते हैं, बारिश लगातार हो रही है, देखें जी अंदर भी पानी सारा आ गया। तो वीडियो करते हैं एंड। तो चलिए जी इसके साथ ही हम करते हैं व्लॉग को एंड। चाय का और पकौड़ों का बहुत मज़ा आया और बारिश भी साथ साथ इंजॉय की। उम्मीद है मेरा आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब रख।